नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ का वक्त हो गया है, बड़े खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर, यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में होने वाले चुनाव, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, 5 राज्यों के अहम चुनाव है और इस कोरोना काल के दौरान बहुत ही ये चुनाव बहुत ही अहम हो जाता है और कराना एक चुनौती भी है। इसको देखते हुए आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जाएगा कि कौन सी तारीख में कौन से राज्यों का चुनाव होना है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये परिणाम उसी रूप में हमारे सामने आए हैं और हम लोग प्रदेश के अंदर हर नौजवान को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उसको और तेजी के साथ आगे। महाराज जी, विपक्ष कहता है कि नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। विपक्ष कहता है कि नीति आयोग के आंकड़े निकालता है, कहता है देखिए बेरोजगारी की दर क्या है। ये सब चीज़ें विपक्ष लगातार हमले करता रहता है इन मुद्दों पर। तो आप विपक्ष की, जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन फिर भी जब इस तरह के आंकड़े पब्लिक में रखे जाते हैं तो क्या परसेप्शन बनता है? देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं? तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या? क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है। और मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा है। हाँ, अच्छा, फर्क क्यों नहीं दिखेगा? 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोक की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वो स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के थर्ड फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है इसमें तो योगी आदित्यनाथ को सुना रहे थे। लेकिन एक बड़े खबर ये है कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान आज हो सकता है और 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें से जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज 3:30 बजे तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3:30 बजे और इसके बाद ही आगे क्या होगा, किन राज्यों में कितने
किन तारीखों में चुनाव होगा इसका ऐलान होगा। तो 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। तो बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ी बात कि इसी समय कोरोना भी पीक पर है। कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश में और सभी राज्यों में फैली हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या पंजाब की बात करें, या किसी भी राज्य की बात करें, कोरोना लगातार दस्तक दिया हुआ है। इस बीच चुनाव करवाना एक चुनाव आयोग के लिए चुनौती भी है। अनूप कुमार संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पास आएंगे। सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं और स्पर्श के पास चलते हैं। स्पर्श, चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तारीखों का ऐलान होना है, कोरोना भी सर पर है, पीक पर है, कितनी बड़ी चुनौती होगी और किस तरीके का आज निर्णय लिया जा सकता है चुनाव आयोग का? देखिए 3:30 बजे आप 5 राज्यों में चुनाव घोषित करने के लिए आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कोविड के बीच में किस तरीके की परिस्थितियों में चुनाव कराए जा सकते हैं, इन तमाम मसलों को लेकर आज चुनाव आयोग जो है जानकारी देता हुआ नजर आएगा। हमने देखा था कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों का दौरा भी किया था और जब दिल्ली चुनाव आयोग वापस आया तो चुनाव आयोग की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ सेक्रेटरी है और उसके साथ साथ नीति आयोग के जो सदस्य है डॉक्टर वीके पॉल, उनके साथ बैठक की गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने तय किया कि तय समय के मुताबिक जो है चुनाव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चुनाव किस प्रारूप में कराया जाए, उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा चुनावी राज्य है, वहां पर कितने चरणों में चुनाव होता हुआ नजर आए, इसको लेकर जो है आज चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां पर क्या एक चरण में चुनाव होगा या फिर कई चरणों में चुनाव होंगे, उसको लेकर जो है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी है। मान जेरो कोविड की परिस्थितियां जिस तरीके से है तो ऐसे में जो आप पोलिंग बूथ होते हैं वहां पर किस तरीके से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कराया जाए, इसको लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश जो है चुनाव आयोग दे सकता है। क्या जो संख्या है मतदाताओं की वो एक बूथ पर सीमित कर दी जाएगी या फिर अगर सीमित मतदाताओं की संख्या की जाती है तो किस तरीके से चुनाव का जो मतदान का जो समय है वो बढ़ाया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा मास्क की किस तरीके से व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर क्या वहां पर जो है दिया जाएगा, इन तमाम मसलों के बीच में आज दिल्ली में जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी अहम है। बिल्कुल स्पर्श, तो चुनौती बहुत है और चुनाव आयोग को इस चुनौती से गुजरना पड़ेगा। लखनऊ चलते हैं, अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं और इसके बाद हम उत्तराखंड भी चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता अजीत कांबोज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप सिंह आपके पास आते हैं। अनूप कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, चुनाव अब है और राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसभाएं रैलियां कर रही हैं, कितना अहम और कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए? देखिए लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग बैठक कर रहा था और अभी स्पर्श ने भी बताया कि 5 राज्यों में लगातार चुनाव आयोग की बैठकें हुई, वहां पर चाहे पुलिस की बात करें, पुलिस के अधिकारियों से बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग से बैठक हो चुकी है और साथ ही साथ जो डीएम है, जिलाधिकारी या फिर तमाम से बैठकें हुई हैं। अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने मन बना लिया है कि निर्धारित समय सीमा पर चुनाव कराए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी पिछला जो चुनाव पंचायत चुनाव हुआ था उस समय कोरोना बढ़ा हुआ था, ऐसे में चुनाव कराने के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई थी, बहुत ही गंभीर थी, दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से इस समय जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव इस समय होते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से चुनाव कराया जाए और साथ ही साथ कोविड कानून के पालन कैसे किस तरीके से किए जाए। हालांकि ये हो सकता है जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जब और जिस तरीके जो चरण के चुनाव के जो चरण वो बढ़ाए जा सकते हैं, साथ ही साथ जिस चुनाव आयोग ने पहले ही तय कर रखा है कि जो वोटिंग के जो समय है वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, यानी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग से बैठक करके एक पूरी जानकारी मांगी गई थी कि ओमिक्रॉन और कोविड के क्या हालात हैं, क्या बढ़ सकते हैं तो किस तरीके से काबू किया जाएगा, साथ ही साथ वैक्सीनेशन कितना हो चुका है कि और अभी चुनाव से पहले कितना हो जाएगा, तमाम चीजों पर जानकारी मांगी थी। अब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद तारीखों को ऐलान हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि चुनाव आयोग को प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ ही चुनाव करवाना होगा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तराखंड का हाल जानते हैं, अजीत कांबोज जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर देखा जाए तो 16 तारीख तक जनसभाएं रैलियां बंद है, 8 तारीखों का ऐलान होने वाला है, उत्तराखंड में भी चुनौती कम नहीं है चुनाव आयोग के लिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो एक तो कोरोना का संक्रमण, ऊपर से यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो काफी चुनौतीपूर्ण होगा निर्वाचन आयोग के लिए यहाँ पर चुनाव तय समय पर और तय चीजों के साथ संपन्न कराना। हालांकि व्यवस्था यहाँ पर लगातार व्यवस्थित की जा रही है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो लगातार व्यवस्थाएं बना रही है।
और समय की अगर बात की जाए, जिस तरह के हमारे साथी बता रहे थे, उसका ऐलान पहले ही हो चुका है कि एक घंटा समय बढ़ाया जाएगा मतदान को लेकर। तो साफ है कि उत्तराखंड में भी यहाँ पर 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसको लेकर 70 विधानसभा है। हालांकि अभी तक के जो चुनाव हुए हैं वो एक ही चरण में संपन्न होते थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, तो क्या उत्तराखंड में भी 2 चरणों या 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो गए, इसका इंतजार होगा। फिलहाल 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके माध्यम से ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस किस तारीख को चुनाव होगा और क्या उसमें प्रोटोकॉल का पालन होगा। बिल्कुल अजीत, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखना होगा। इस पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, पंजाब, गोवा, मणिपुर या यूपी की बात करें, हालांकि उत्तर प्रदेश और पंजाब एक बड़े राज्यों में से आता है, उत्तराखंड और मणिपुर गोवा में चुनाव हम एक चरण की भी बात कर सकते हैं, तो क्या चुनाव आयोग को 1-2 चरण में चुनाव संपन्न कराना सही होगा कि और ज्यादा समय ले सकता है चुनाव आयोग? इस जो आज तारीखों का ऐलान होगा, इसमें क्या कुछ निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से साफ तौर पर यह पूछा गया था कि किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर इन तमाम राज्यों में है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और किस तरह की कोविड की परिस्थितियां जो है इन चुनावी राज्यों में देखने को मिले, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अचानक जो हाइक है वो तमाम राज्यों में जो है मामलों में देखने को मिला है। ऐसे में खासतौर पर वैक्सीनेशन को लेकर यह पूछा गया था कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से इन राज्यों में चल रही है, कितनी प्रतिशत जो जनता है वो वैक्सीनेट जो है हो चुकी है, और इसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि जो चुनाव है वो तय समय पर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि रैलियों को लेकर अभी चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, किस प्रकार में रैलियां होती हुई नजर आएंगी, क्या रैलियों के प्रारूप को छोटा किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चूंकि परिस्थितियां हैं, कोविड अगर पीक पर होता है तो कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा, एक बूथ पर कम से कम मतदाता इकट्ठे हों उसके लिए जो है आप प्रावधान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि समय बढ़ा दिया गया है तो ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो बिल्कुल है, बिल्कुल इस पर WHO ने कहा भी है कि जनवरी और फरवरी को जो महीना होगा वो चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि तीसरी लहर अपने पीक पर होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास वापस आएंगे, जानकारी लेंगे। अजीत कंबोज और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ आप जुड़े, जानकारी साझा की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आपके पास आएंगे। तो आज बता दें कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की और तारीखों का ऐलान होगा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव को समय पर करवाना है, यह चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती भी है, लेकिन कोरोना काल भी चल रहा है, यह भी एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना भी चुनाव आयोग लोगों को भी करना पड़ेगा। अब फटाफट खबर की शुरुआत करते हैं। अब उत्तराखंड के माफ करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, इस तरीके की बात उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, और प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज बनवा चुके हैं, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं पर पिछली सरकारों ने 40 साल से ज्यादा का वक्त लगा दिया, हमने उसे रिकॉर्ड समय में पूरा करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संजय गांधी PGI लखनऊ को 500 करोड़ की लागत से एक एडवांस पीडियास्टिक सेंटर की उपलब्धि कराएगी, सरकार इस कार्यक्रम को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने भी कहा कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काफी प्रयास किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा को सदैव बनाए रखा है, उन उपलब्धियों के साथ कुछ न कुछ नया जोड़ने का प्रयास भी किया गया है, ये अपने वर्तमान के साथ अपनी भावी योजनाओं को भी निरंतर बढ़ाता रहा है। सीएम योगी ने T9 के साथ बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था करने की बात कही है और अफसरों को प्रदेश भर की निगरानी समितियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों और शहरी क्षेत्र में पार्षद के निगरानी में ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का सुझाव दिया है, साथ ही अफसरों से संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, मौसम विभाग के मुताबिक इससे अभी राहत नहीं मिलने वाली, प्रदेश के कई जगहों पर 9 तो कहीं 12 जनवरी तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 10 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होगी, इसके साथ ही ठंडी हवाएं और कोहरा भी बना रहेगा, पश्चिमी यूपी के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, आज पश्चिमी यूपी के ज्यादा बारिश के साथ साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है, वहीं 9 और 10 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,228 कोरोना के मामले मिले। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 12,327 पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेसिंग की संख्या बढ़ाई गई और टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,19,256 सैंपल की जांच हुई। वहीं राजधानी के कई अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई। पीजीआई में शुक्रवार को 4 डॉक्टर और 4 नर्सिंग स्टाफ संक्रमण की पुष्टि हुई। नोएडा में कोरोना संक्रमण के 1,000 से अधिक केस सामने आए, जहां पिछले 24 घंटे में 1,124 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,527 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना वर्चुअल अभियान शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर 2 बजे अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर लाइव जुड़कर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान पर बात करेंगी। कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बड़ी रैलियों पर रोक लगाई जाए। मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को लखनऊ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जांच में सीबीआई ने सभी 6 पुलिसकर्मियों को समान आशय से साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी बताया गया है। 10 जनवरी को मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें कि शासन के आदेश पर 2 अक्टूबर से मामले की जांच कानपुर पुलिस एसआईटी द्वारा शुरू की गई थी। लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोबारा दाखिल की गई 12 आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई, जिसमें सीजेएम ने सभी की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले के बाद दाखिल जमानत याचिका के बाद आरोपियों को अपनी जमानत के लिए अब जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करने होंगे। केंद्र सरकार ने यूपी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पहले चरण के लिए 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का फैसला लिया। इन सुरक्षा बलों को 10 जनवरी से पहले चरण के जिलों में तैनात किया जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि केंद्र ने जो 150 कंपनी अर्धसैनिक बल दिए हैं, उनमें से 50 कंपनियां सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की होगी। चुनाव के दौरान तैनात सुरक्षा कर्मियों और कंपनियों को सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में संवेदनशीलता और आवश्यकता के अनुरूप आवंटित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3rd नेशनल अवार्ड घोषित करते हुए यूपी को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 प्रदान करने की घोषणा की है। जल शक्ति मंत्री ने जल संरक्षण के लिए वेस्ट जिले के अंतर्गत मुजफ्फरनगर को नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अव्वल करार दिया है। सीडीओ ने बताया कि इस सब के साथ बड़ा योग वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण में भी मिला है। पंचायती राज और लघु सिंचाई विभाग का बेहतर समन्वय और प्रबंधन जिले को जल संरक्षण में आगे ले गया है। कौशाम्बी में रिश्तेदार का एटीएम कार्ड लेकर खाते से 2 लाख रुपए से ज्यादा निकाले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, गोली लगने से घायल हुआ 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। गिरफ्तार बदमाश पर अलग अलग जिलों में दर्ज है 45 से अधिक आपराधिक मुकदमे। लखनऊ में विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा 40 लाख रुपए की गई है। लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में खर्च सीमा 70 लाख थी उसे 95 लाख किया गया है और जिस राज्य में 54 लाख थी उसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। मथुरा में पुलिस का आतंक सामने आया है, जहां थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाते हुए बेरहमी से पीटा। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बादा के बीटीसी बीएड के सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार प्रशिक्षु ने भाजपा कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, बादा कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी हुई। हल्द्वानी में स्वीप टीम ने चुनावी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें नैनीताल जिले के 31 कैंपस ब्रांड एम्बेसडर 8 ईएलसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने हिस्सा लिया।
हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले पर हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद साधु संतों में आक्रोश देखा गया। उसके बावजूद भी पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी टीम का गठन किया है। बदायूं में लेखपाल की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गए। लखनऊ में खबर चलने के बाद नगर निगम और प्रशासन नींद से जाग उठा है। बता दें कि लगातार हो रही बरसात से अस्थायी रैन बसेरों का बुरा हाल है। खबर चलने के बाद नगर निगम ने अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था को सही करवाई है। बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नए शिक्षक भर्ती की मांग फिर से तेज हो गई। शिक्षक भर्ती को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। गाजियाबाद में पुलिस ने 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो नकली नोट छापते थे। बता दें कि इनके काम करने का तरीका ऐसा है कि ये कॉरपोरेट को भी मार देते थे। ताबड़तोड़ खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें जनता टीवी।